हेलो फ्रेंड, मैं उरा लक्ष्मी। मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये मशरूम का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आए। देखिए, एकदम फ्रेश मशरूम है। ननद का जो खेती होता है ना, आमदनी मैंने शेयर की थी, वहीं से मैं लाई हूँ। एकदम फ्रेश है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, मशरूम को मैं इस तरह काट ली हूँ। धो के उसका हल्दी पानी में डुबा दूँ, क्योंकि मशरूम में होता है ना कीड़ा वड़ा लग जाए तो वो निकल जाए अच्छे से। उसके बाद मैं अनियन को अच्छे से धो दी हूँ, काट के इस तरह रख दी हूँ। कढ़ाई में बिठा दी थी, उसमें तेल भी ऐड कर चुकी थी। और तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं पंचफोटन ऐड कर रही हूँ। करने के बाद उसको जो अनियन था उसको स्लाइस करके मैं काट के इस तरह मैं डाल दी हूँ। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा भूनेंगे अच्छे से। भूनने के बाद मैं यहाँ पर सरसों का मसाला यूज़ करूँगी और बहुत टेस्टी लगेगी ये। और देख सकते ये मेरा अनियन हो गया था, तो यहाँ पर मैं सरसों का मसाला यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे सरसों का मसाला मैं ऐड करने के बाद उसका अच्छे, मतलब ज़्यादा पकाएंगे नहीं, ज़्यादा चलाएंगे, वो हल्का सा चला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हल्दी होता है, हल्दी और मिर्च, आप अपने हिसाब से मिर्च ले सकते हैं, ज़्यादा या कम करके जितना खाते हैं तीखा। यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मसाला को थोड़ा भूनेंगे अच्छे से। अच्छे से ज़्यादा मतलब भुनेंगे नहीं, क्योंकि अदरक लहसुन का मसाला नहीं है ही नहीं हम। मैं तो मेरा वीडियो में ये जो मसाला है बार बार शेयर कर चुकी हूँ। और इस तरह हल्का भुनने के बाद रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, देखिएगा इतना टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद ये रेसिपी। और यहाँ पर मैं सूखे आम जो होता है उसको मैं ऐड करूँगी, आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बच्चे लोग मेरा खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह काट कर रख दी हूँ। आलू है, सूखे आम है और मशरूम है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी मशरूम। मेरा मसाला हो गया था, तो एकदम एक साथ में सब ऐड करूंगी, मशरूम ऐड करूंगी, आलू ऐड करूंगी और सूखे जो आम है उसको भी ऐड करूंगी। क्योंकि एक साथ ऐड करने में क्या होता है ना, आपका जो मशरूम जो पक जाता है मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट नहीं होगा और मेल्ट नहीं होगा और ये इस तरह पक जाएगा और इसका फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब देख सकते हैं इसको थोड़ा चलाने के बाद नमक डाल के, पानी डाल के इसको मैं अच्छे से रख दूंगी और मतलब कवर कर दूंगी, पक जाए अच्छे से। ये हो गया मेरा, इसको मैं अच्छे से पक जाऊँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़। आई होप ये रेसिपी आप सभी को पसंद है। तो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। अभी मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, फिर अभी मैं ढक्कन लगा के उठा के देख रही हूँ कि मेरा सब्जी जो है वो पक गया अच्छे से। और ये बहुत सुंदर कलर आया है, ग्रेवी भी आया हुआ है, ये बहुत टेस्टी लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। बहुत जो इमली जो सॉरी जो आम का जो सूखा आम डाला हुआ है ना, इतना टेस्टी लगेगा। ये मेरा रेडी हो गया मशरूम की सब्ज़ी। आई होप आप सभी को पसंद है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए।